केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम चर्चा में आ गए हैं। वजह है उनका विवादित बयान। हिंदू देवी देवताओं को न मानने वाले वीडियो पर दिल्ली में बवाल मच गया है। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र गौतम मंच पर मौजूद थे, जिसके बाद बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है। दरअसल केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की ऐसी सभा में शामिल होने जहां पर हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी, ये मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वही विवाद बढ़ता देख कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की ओर से सफाई आई। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन लेने वाले हैं और राजेंद्र पाल गौतम से नाराज हैं। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल हिंदू देवी देवताओं को न मानने वाले वीडियो पर दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बीजेपी के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि विजयदशमी के दिन दिल्ली के करोल बाग के आम्बेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे, जहां ये कार्यक्रम हुआ। वीडियो में बौद्ध संत लोगों को शपथ दिलाई जा रही थी। जिस वक्त ये शपथ दिलाई जा रही थी, उस वक्त मंच पर राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे। जो शपथ दिलाई जा रही थी, उसमें कहा गया, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस वीडियो को बीजेपी नेताओं की ओर से ट्वीट कर उन पर निशाना साधा गया। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री राजेंद्र गौतम की ओर से सफाई सामने आई। देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से राजेंद्र गौतम को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त कर देना चाहिए। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये दंगा कराने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के भीतर मंत्री को हटाएं, जिससे नफरत फैलाने की कोशिश हुई है। फिलहाल राजेंद्र गौतम ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। शपथ को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो वो मानवता की बात करता है, किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी धर्म को अपमानित करने की बात नहीं करता, सबके सम्मान की बात करता है। गौतम ने कहा कि बीजेपी धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।